नमस्कार, नजर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा और उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय एवं राज्य सफाई कर्मचारी अन्य संस्थाएं वाल्मीकि संस्थाएं मिलजुल कर किया विरोध प्रदर्शन। ज्ञापन दिया जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री सरकार को। हाथरस के गाँव बुलगड़ी में कुमारी मनीषा के साथ दबंगों द्वारा किए गए दुराचार के आरोपियों को फांसी की सजा एवं पीड़ित के परिवारों को 1 करोड़ की धनराशि के साथ साथ शासन द्वारा सरकारी नौकरी वे शहर में घर की व्यवस्था पूरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। पीड़ित का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने का अनुरोध किया। नगर निगम में एकत्रित होकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने अंबाला रोड से होकर घंटाघर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। धरना प्रदर्शन में शामिल रहे डेविड डिंगिया, मंडल अध्यक्ष सोमचंद वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार, फ्लोर प्रदेश महासचिव देवदास चौहान, प्रदेश कार्यवाहन अध्यक्ष अवनीश बिरला, जिला अध्यक्ष नरेश दालोड, प्रीतम प्रेमी, रवीश बिरला, रोहित वाल्मीकि, शेखर राजा, राजेश, अमित नाथीराम, विशाल रवि, तेजेश्वर, आशु बिरला, राजेश बिरला आदि शामिल रहे। परमिंदर सिंह की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानता है तो हम जो है चक्का जाम कर देंगे। पूरा जो है पूरा भारत का जो वाल्मीकि समाज जो है इकट्ठा होकर जो है ऐसा योग आंदोलन शुरू कर देगा, जिसकी जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की होगी। आप देख लीजिए, हर वाल्मीकि समाज के हर वर्ग का आदमी जो है, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो निजीकरण हो, हर जगह जो है सरकारी डिपार्टमेंट मतलब कि वाल्मीकि समाज जो है कार्य करता है। अगर हमने ऐसे योग आंदोलन शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं भारत जो है डाउनफॉल हो जाएगा, क्योंकि हम जो है भारत के मूल निवासी हैं। अगर हमें हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और हमें जो है आज़ादी नहीं दिलाई गई, 70 साल हो गए हैं, आज तक जो है हमें आज़ादी नहीं मिली है। हमारी जो बहू बेटियाँ हैं उन्हें जो है आज़ादी नहीं मिली है, वो सही तरीके से सड़कों पर भी घूम नहीं सकती है, उनके साथ जो है दुराचार करते हैं जो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, वो हर समय जो है ताक पे लगे रहते हैं कब हमारी बहू बेटियाँ बाहर जाए और वो उसके साथ जघन्य अपराध करें। ये चीज़ जो है वाल्मीकि समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वाल्मीकि समाज बहुत उग्र हो गया है, सड़क पर उतर गया है। अगर उन्हें जो है क्या नाम है आज़ाद भारत में जो है क्या आज़ादी नहीं दी गई तो हम जो है चक्का जाम कर देंगे। हम ये चाहते हैं चारों दोषियों को जो है फांसी की सजा सुनाई जाए और सभी के सभी जो है संदीप, लंकुश, रामू और रवि को जो है फास्ट ट्रैक के थ्रू जो है जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए। यही आह्वान हम आज करते हैं। वाल्मीकि एकता, वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। साथियों, आज पूरा वाल्मीकि समाज सहारनपुर का और पूरे प्रदेश का पूरे हड़ताल पे है। आज समस्त समाज सहारनपुर और यूनियन, हम आज नगर निगम प्रांगण में इकट्ठा हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए घंटाघर पे हम आए और हमने घंटाघर को जाम कर दिया है। पूरा शहर जाम हो चुका है। साथियों, हमारी एक ही मांग है, हमारी बहन, हमारी बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी जिसके साथ ये दुराचार हुआ है, जो बेचारी आज इस दुनिया में नहीं है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। उन लोगों को जो इस अपराध में शामिल है उन्हें सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए, सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। उस परिवार को, उस पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी, शहर के अंदर एक सरकारी आवास और सुरक्षा मुहैया करना चाहिए, जिससे उन्हें आगे आने वाले दिनों में कोई दिक्कत ना हो। वाल्मीकि एकता, वाल्मीकि एकता। जी, ये जो धरना प्रदर्शन है इसके बारे में क्या कहोगे आप? हमारी मांग ये है, उनको जिन्होंने अपराधियों ने उस बेटी के साथ बलात्कार किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी मिलनी चाहिए। और जो वहाँ के प्रशासनी है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड किया जाए। आपकी क्या क्या डिमांड है? जिन्होंने रात को 2 बजे के करीब लाकर उसको लावारिश की तरह लाश को फूंका गया है। क्या नारियों का यही अपमान होगा? इस सरकार में ऐसा ही होगा योगी की? हमारी कहना यही है, हमारा वादा यही है कि सरकार को हमें दिखाना है अपना वजूद कि हम क्या है वाल्मीकि। हमें इन्होंने नहीं समझा जो हमारी बेटी को रात के समय 2 बजे अंधेरे में लाकर फूंका गया। ये हमें उचित नहीं है, हमारे लिए ये उचित नहीं है। हम सरकार की गोली खाने को तैयार हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं।
लाल झंडे पर तो घेरा घंटा घर पे सब जगह भीड़।